कानपुर पहुंचने से पहले अतीक ने स्वांग रचने की काफी कोशिश की, लेकिन हकीकत कहां छुपती है। कानपुर जाने से पहले समर्थकों के लिए टोल चुकाने के निर्देश जारी किए गए, लेकिन जो आदत ही नहीं वो काम कैसे हो। फतेहपुर में टोल पर अतीक के गुर्गों ने सैकड़ों गाड़ियों के साथ ऐसा तांडव मचाया कि देखने वाले सिहर गए। सड़क पर अतीक अहमद का आतंक, सामने आई बगुला भगत बने बाहुबली की हकीकत। ये तस्वीर देखिए, ये काफिला किसी और का नहीं, माफिया अतीक अहमद का है, जो चुनावी सभा के बाद गुर्गों समेत कानपुर से लौटा और टोल पर ऐसा तांडव मचा कि रास्ते से निकलने वाले लोग जान बचाते नजर आए और गुंडे के गुर्गे टोल पर बिना ब्रेक के धड़धड़ाते निकल गए। टोल चुकाना तो दूर, लोग जान बचाते नजर आए। ये तस्वीर थी फतेहपुर के रास्ते पर पड़ने वाले टोल की। अब अखबारों में दिए इस विज्ञापन पर नजर डालिए, जब अतीक अहमद स्वांग रच रहा था। सभी कार्यकर्ता एवं साथियों से अपील है कि मेरे साथ अथवा कार्यकर्ता सम्मेलन में किसी प्रकार के असलहे लेकर न आए तथा विभिन्न मार्गों पर पड़ने वाले नियमित टोल बैरियर पर टोल अदा करें एवं आम जनता के ट्रैफिक जाम की समस्या देखते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करें। यानी जो आशंका थी वही हुआ, बाहुबली की सच्चाई फिर सामने आ गई। जहां कानून सिर्फ कठपुतली है और नियम तो माफिया के लिए किस खेत की मूली है जो मन माफिक तोड़ता मरोड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अतीक के सामने सब बेबस हैं और गुंडों के लिए कोई टोल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।